फाइल देख सकते हो आप, ये जो हम टिकट में लग चुके हैं, तो जो बच्चे हैं 15 साल वाले उनका फ्री टिकट है, तो देख सकते हो आप। ये जो दादागिरी कर रहे हैं दो बंदे आगे सामने, इनको देखो भाई, जो राज्यों की कार्रवाई, ये कुछ नहीं बोल रहा। तो आम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है जीने के लिए इंडिया में, और जो VVIP है उनके लिए है इंडिया, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। दो घंटे फालतू पड़े भाई, वहाँ से लंबे लाइन लग के आए, कोई हमारी इज्जत ही नहीं है। और सामने दो बंदे आए बैली कार्ड के, वो देखो भाई, वो सामने ये खड़ा भाई, कुछ नहीं बोल रहा। ये कौन सा बुला के भाई, बता फॉलो कर भाई, वो देख ले भाई। तो अभी टिकट है 80 रुपये का टिकट है इंडियन के लिए, और फॉरनर के लिए भाई इतने का देख रहा है 5 मिनट 250 कर रहा हूँ। और ये भाई कितना बहुत मेहनत बंदा है, ये बहुत मेहनत का काम कर रहा है, मतलब हमारे लिए देख, कोई कुछ नहीं भाई। ये देखो भाई थोड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है, देखो आप इतनी फौरन लंबा लाइन लगा हुआ है, ये देखो भाई कितनी लंबा लाइन है। वहाँ से मैं आया हूँ ऊपर से बिल्कुल पीछे से, और ये दो बंदे आए हैं, दो महापुरुष हैं, तो इनको भाई इनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ देखो ये दो महापुरुष हैं, कितनी भीड़ देखो, ये चौकीदार भी है, ये देखो एक और आ गए महापुरुष। तो ये स्कैम वाले बंदे हैं, जितना बच के रहो, देख सकते हो आप ये फाइनली भीड़ भाई। और ये देखो दो आगे फॉरनर के लिए भाई, ये विकलांग वाले लगे हुए हैं, इनको कोई समझ नहीं। देखो ये पढ़े लिखे अनपढ़ वाले भाई हो गए, समझ साफ साफ लिखा सुनहरा अक्षर में विकलांग है दिव्यांग का, लेकिन इनको दिख नहीं रहा, लगे पड़े हैं भाई। तो ये देखो ये जा रही है फॉरनर का, ये सारे देखो ये अपने इंडिया के बंदे फॉरनर बन गए, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये देखो भाई लेके जा रहे हैं, तो ये होती है VVIP प्रोसेस की, हम बस इंडिया में वैसे ही बंदे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम दो घंटे से लाइन में खड़े होके दो मिनट में और टिकट लेके चला गया। तो ये जो देख सकते हो आप, ये अलग अलग लाइनें लगी हुई, मुझे ऑलरेडी 8 लेने हैं, पहली बार तो 8 देने में उसकी हालत है। देख सकते हो ले लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मतलब ऐसे औरतें काम करवा लेती है मर्दों को भला कुछ ना, और इन जैसे मर्द बहन जाती है, देख सकते हो आप इन भाई के सेकंड का चांद। तो ये हमारे इंडिया है, कुछ भी हो सकता है हमारे इंडिया में। हम बस वैसे एक नॉर्मल इंसान और एक मर्द को जीने का हक ही नहीं है, हम जी नहीं सकते भाई किसी भी तरीके से। हम भाई पता नहीं हम भगवान क्यों बना दिया हमें, दिमाग कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई भी है काम करवा लेते हैं हमसे, हम कर देते हैं। साफ साफ लिखा है वो फॉर्डर है, कोई बात नहीं। 600 इंडियन 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 फॉरनर फॉरनर अदर कंट्री भी अपना आ चुका है। हम आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो ये कितनी सारी विदेशी मैम है, गोरी मैम है, तो इनके लिए टिकट लेना जरूरी है। वीडियो बना रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी बंद, अभी बंद नहीं, इधर मत बनाइए, इधर मत के ओके ओके, टिकट ले लूँ? हाँ टिकट ले लीजिए, लेकिन कितने का पड़ा भाई का बोल दे। 400 विदाउट म्यूजियम। ओश कितने टिकट ले लिए? 8। ओ भाई ओम हो भाई, करीब मत से काटेगा भाई, दो म्यूजियम साथ। थैंक यू। तो टिकट आ चुका है अपना, फाइनली देखते हैं जो इतने सारे यहाँ के जो ब्लॉगर हैं, तो भाई अंदर की ओर बढ़ते हैं। और गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी सारी भीड़ है के मामले में भी भाई, ओके मामला है। मैं भी दिखाता हूँ आपको, और बढ़ रहे हैं अभी फाइनली, इतनी सारी भीड़ है, और वहाँ भी एक लंबी लाइन है यार। अंदर का सर बाहर का नहीं है, लाइन में निकालो कैमरा बंद हो जाता, अंदर जाने के बाद जो करना करो, बैठ तो जो आगे लाइन में। ये लेडीज़ की लाइन है, देख सकते हैं जेंट्स का अलग है। ये अपना लैपटॉप है जो कि अनलाउड नहीं है खड़ा करना, तो ये मेरा भाई गोलू पकड़ सकता है। अब देखो गाइस
अब आएगा भाई मगरमच्छ घूम रहे थे। ये है जो देख सकते हैं पब्लिक बहुत है यहाँ पे, कोई भी हमारी पब्लिक है। हम लोगों को काफ़ी महंगे चीज़ें देते हैं क्योंकि यहाँ के जो किराया है वो काफ़ी महंगा है, वो वसूल करते हैं, लेकिन काफ़ी यूनिक चीज़ें होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यूनिक चीज़ें तो देख सकते हो आप। ये है वो चीज़ें, यही है वो मगरमच्छ का इलाका, वो दो मगरमच्छ घूम रहा है भाई देख सकते हो दोस्त, यही दो मगरमच्छ है बन रहे हैं। सेफ्टी के लिए था इसकी अरे यहाँ पे फोटो खिलाना बंद हो चुका है, कैमरा ले दिया देख सकता है क्या मतलब दृश्य है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पब्लिक इतनी है पूछो मत। अभी देखो भाई ये सामने है, यहीं से अपना पीएम प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं, देख सकते हो ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी मज़ा आ रहा है, यही हो मीना बाजार तो यहाँ पर काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। अभी आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो कितनी सारी पब्लिक है, रशियन देखते हैं, रशियन के साथ अभी फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अपने गर्ल्स की रशियन से कम नहीं है इंडियन से। तो देखो ये देखो ये है मीना, देखो ये सोन लग रहा है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। और ये 500 के सोल मिल रहा है, ये देखो भाई स्टोव भी है कुछ, ये मुगल आर्किटेक्ट है, पेंटिंग है मुगल को, और अंदर एक बड़ी शॉप है। तो यही हो मीना बाज़ार, तो भाई साहब इसका क्या नाम है बाज़ार का? मीना बाज़ार। मीना बाज़ार ये कितना पुराना है भाई साहब? बहुत पुराना है आइडिया। तो यहाँ पे सामान काफ़ी महंगे मिलते हैं, मिल जाता हम लोगों के लिए। तो ये सेना के जो मार्शल होते हैं बड़े अध्यक्ष वो ही करते हैं, लेकिन घर के लिए ले सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें अच्छी है देख सकते हो। ये अच्छी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ का जो चीज़ें हैं ना उन तक खुश होकर जान नहीं कर सकते। एक चीज़ देखो अंदर तक दुकान है इसकी, ये सॉल की दुकान है, लोग लेते हैं यहाँ का एक कुछ भी देखते हैं क्या क्या लेना है। ये वैसे ये मुगलों का है, मुस्लिम का हुक्का है, काफ़ी भी मतलब होम मेड है, डेकोरेशन के लिए सब चीज़ें हैं देख सकते हो। जो वैसे ये जो होम मेड है सारे डेकोरेशन की चीज़ें होम मेड है, बिल्कुल स्वदेशी है अपने, तो अपने लिए खरीद सकते हो आप। ये काफ़ी लंबी दुकान है यहाँ पे, जो सारे दुकान है इसी के तौर पे बनाया गया है। ये दुकान पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है देख सकते हो, जो मैं आपसे बता सकता हूँ, काफ़ी खाने देख सकते हो आपके हैं सारे अंदर काफ़ी बड़ा दुकान है जो कि नेकलेस का है, ये देख सकते हो काफ़ी चीज़ें अच्छी है देखते हैं। अब ये खत्म हो चुका है, मीना बाजार खत्म हो चुका है, हम अंदर आ चुके हैं, अंदर गाइस देख सकते हैं क्या चीजें हैं। तो अंदर लिफ्ट लगा गया है, पहले तो लिफ्ट नहीं था, अंदर अब लिफ्ट लगाया गया है, और सामने लिफ्ट देख सकते हो। और यहाँ का जो माहौल है पूरा का पूरा मतलब जो है म्यूजियम का है, तो म्यूजियम में शायद कैमरा अलाउड है कि नहीं पता नहीं, अगर पता करता हूँ तो गाइस सब चुप रहना, मैं म्यूजियम ही कवर करूँगा। म्यूजियम यही है म्यूजियम सामने एंट्री वहाँ से, यहाँ के लिए टिकट अलग है भाई, टिकट तो लिया था पहले, टिकट लिया था। यहाँ पे कुछ नाइट शो का है तो हम नहीं ले रहे, अंदर की ओर है जो अलग था, वो पुराने पता नहीं क्या है पुरानी चीज़ें वगैरह, अभी हम देखते हैं। और बात जो अब फिल्म थिएटर का 100 रुपये है, तो इसका ये बंद कर चुका है ये थिएटर, देखो गाइस भाई म्यूजियम की साइड, तो ये देखो गाइस यही है वो म्यूजियम। तो अभी यहाँ पे शॉप खुल चुका है, तो कुछ देख सकते हो, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, ये सारे काम को ऐसा लग रहा है कि गला दबा दूंगा। ये म्यूजियम की ओर बढ़ते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत फोटोग्राफी होती है यहाँ पे, ये देख सकते हो यही है वो लाल किला, ये है वो लाल किला, आप बेहतरीन चीज़ें हैं देख सकते हो सर। म्यूजियम की तरह यहाँ पे
वो सामने चलिए सामने। तो अभी हम म्यूजियम की ओर बढ़ रहे हैं और खाने की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो पता नहीं कौन सा खाना है। देखो गाइस देखते हैं यहाँ कितना कितना मज़ा लेना है और क्या मज़ा नहीं लेना है। साउंड देखो गाइस इतना बड़ा हल आ गया, हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा। तो काफ़ी खूबसूरती यहाँ पे। और ये देखो आर्मी रेडियो स्टेशन जो कि हमारी सेफ्टी के लिए। और देखते हैं भाई ये इतना बड़ा है यहाँ का इलाका। वो काफ़ी बहुत सारी हरियाली भी है, किस चीज़ें हैं तो आप देख सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फोटो शूट होती है। तो यही है अकबर का शाही द्वार, अकबर का द्वार यहीं पे लगता था अपना वो। और शासन प्रशासन राजनीति की मुद्दा यहीं पे चलती थी वो सामने वाले में है। तो अभी कुछ गिराई तो अभी बात करते हैं म्यूजियम की ओर। तो हम देखते पहले म्यूजियम का, और हमारा म्यूजियम चीज़ें था यही है नौबत खान। यहाँ पे अकबर खाया करता था अपने। तो देख सकते हो सारे चीज़ ये हम आगे आगे की ओर बढ़ चुके हैं, नौबत खाने की ओर बढ़ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें हैं देखते अभी नौबत खाना। काफ़ी गर्मी हो गया अरे हम यही है नौबत खाना। देख सकते आगे पे घट चुका है, उसका जो पेंटिंग वगैरह है वो ठीक हो चुका है, मतलब खास पेंटिंग नहीं रहा है। देख सकते हैं उसके बाद जो चीज़ें आते हैं सामने। देखो दोनों में काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी होती है। तो दाना मना कर रखा है यहाँ पर टाइम का ही है यार की तरफ चीज़ें काफ़ी अच्छी है। फाइनली हम देखते हैं कहाँ बढ़ना है, वहाँ पर नो एंट्री है। क्या चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक से एक चीज़ें हैं आप जो फोटोग्राफी के लिए हैं। तो मैं काफ़ी अकेला हूँ तो मैं कुछ कर लेता हूँ फोटोग्राफी का मैं बाकी। लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊँगा अपने दोस्तों के साथ लेकर आऊँ और अपना कैमरा भी लेकर आऊँगा अलग से जिससे होगी फोटोग्राफी। और ये देखो यही है नौबत खान जो यहाँ पे बादशाह खाया करता था अपना खाना पीना। और बाकी सामने है वहाँ तो उसकी तभी अदालत वहाँ शाही कुर्सी है रखा हुआ जिसके अंदर हीरे मोती जवाहरात रखे हुए थे। तो सारे अंदर लूट के चला गया। तो गाइस ये काफ़ी बहुत बड़ा है यहाँ का रेजिडेंसी बहुत बड़ा है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा घूम के ऑल इंडिया। यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी है वही है सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सामने अकबर का शाही दरबार लगता था उसकी आदमी भीड़ का है। और आपके साथ चेयर रखा हुआ है जो कि राजगद्दी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर वो बैठ गए और इसकी जो खूबसूरती है ना देख सकते हो आप। जो पहाड़ के जो पत्थर काट काट के सुन के बनाया गया था ये लाल बलुआ पत्थर इसका नाम है। तो ये भाई मज़ा आएगा अभी देखने में आपको। देख सकते हो आप ये मैं भी कहाँ से और पब्लिक कैसी है मतलब पूछो मत। और बस 32 GB 36 GB 60 GB है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी होती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस पे देख सकते हो गाइस ये इसकी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो इसकी चीज़ें हैं और देख सकते हो गाइस ये है ना यहाँ पे लगी थी अदालत। तो वहाँ पे बादशाह बैठा करता था और यहाँ पे उनकी जो फैसला ये कोर्ट है एक तरीके से मुगल कोर्ट बोलो इसको या कुछ भी बोल सकते हो आप अदालत में कुछ भी। तो वहाँ वो रहा उसकी कुछ चेयर है उसका तो आसन या राजगद्दी कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। वहाँ से अगर निकला करता था अब इसको सील कर चुका है तो यहाँ से आगे नहीं जाना होता। देख सकते हो मैं अभी दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो देख सकते हो फाइनली यही है वो अकबर का। यहाँ से वो अपना देना ऐसा नहीं अपना देखने को। ये जो भी है ये काफ़ी छोटे काट वाले हैं इनको उसके अंदर जो फोटोग्राफी होती है काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर जो भी है अभी इसे कवर यहाँ से तो यहाँ पर फोटो शूट वगैरह होते हैं। ये एक वो बेस्ट थीम है जो ये सेम जो बेस्ट थीम है ताजमहल के पास में सेम है ऐसा बनाया गया है। तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंसर है। और अभी हम अभी आईफोन से शूट कर रहे हैं ब्लॉग अपना। तो अभी दिखाते हैं अंदर है पियाऊ के पास तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पियाऊ है इसके अंदर। तो आप पानी पी सकते हो वो अभी ओके मतलब काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पे। और ये मेरा भाई है जो भी मेरा मुँह से लड़का है तो ये भी ब्लॉग में आया घूमने के लिए। तो भाई मज़ा आ रहा है घूमने में तो ये बंदा कह रहा है काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में। तो अभी दिखाता हूँ आपको। और जो अभी जो सामने यहाँ का माहौल है उधर हम जा नहीं सकते उधर आर्मी एरिया हो गया उधर जो आर्मी का बेस कैंप बना दिया गया उधर। तो अभी कुछ है तो इसका बैटरी अभी है 50% इसका बैटरी बचा हुआ है। तो अभी इसे कवर करेंगे बाकी ब्लॉग बाकी तो इधर कर लेते हैं। तो इसके अंदर अलाउड नहीं है जाना ये रहा। सर ये क्या है
मुमताज महल, ये मुमताज महल आगरा के बीच बनाया गया, देख सकते हो आप, ये मुमताज महल देख सकते हो आप ये, तो इसके अंदर मुमताज रहा करती थी, तो यही है उसका महल है मुमताज, मुमताज महल है ये, देख सकते हो आप ये, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, देख सकते हो आप ये फाइनली। और यहाँ पे काफ़ी एक बहुत अच्छा पेड़ है, उधर आर्मी एरिया है, तो आप आओ इधर घूम के आओ, दिल्ली में है तो आप आ सकते हो। यहाँ का कुछ सीक्रेट है जो दिख नहीं सकता, ये कुछ उस टाइम का देखोगा, ये जाली है जो बाहर से कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अंदर सब सब चीज़ दिखता है, तो उस टाइम में ये बनाया गया था। और ये अभी दिखाता हूँ मैं नीचे, देखोगा इस नीचे का, देखोगा इस ये है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखोगा इस नीचे का एरिया दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मगरमच्छ पाला करता था उस टाइम, तो ये इसमें पानी भर के और मगरमच्छ से सेफ्टी था, और सामने सैनिक हुआ करता था ताकि कोई इस पर किला पर कब्जा ना कर सके। तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो। हम लोग अभी मुमताज महल की ओर से आगे बढ़ चुके हैं, तो सामने मोती मस्जिद है इसके अंदर। तो ये भाई देखो गाइस, ये बंदा है हेलो कर रहा, अब भाई ये सारे अच्छे काफ़ी अच्छे बंदे हैं, ये देखो गाइस सीधा दिखाऊंगा आपको, सामने मोती मस्जिद है तो उसके अंदर ब्लॉगिंग करेंगे अभी। तो फाइनली काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला भी, देख सकते हो गाइस। और ये भी एक मस्जिद है, तो इसका कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन जो एक सामने मस्जिद है वो है मोती मस्जिद, तो इसको मैं दिखाऊंगा एक बार, देख सकते हो गाइस सामने इतनी खूबसूरती है यहाँ की। और ये देखो गाइस ये जो चीज़ें हैं, तो अभी फाइनली यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है काफ़ी चीज़ें लाना शूटिंग के लिए, तो मैं ला सकता हूँ, ये देखो गाइस। तो ये चीज़ें हैं, और ये इसके अंदर अभी अलाउड है कि नहीं, और यहाँ पे टूरिज्म आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये है नौबत खाना के बाद, ये है दूसरा जो इसके अंदर रहा करता था अपना ये बीवी के साथ, तो देख सकते हो। तो अभी पूछते हैं क्या है ये, इसका नाम अभी कवर करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है रंग महल इसका नाम। तो यहाँ फाउंटेन था यहाँ पे, देख सकते हो ये कवर है पूरा, तो ये भी बंद कर दिया गया है, तो कोई खास एक रंग महल इसका नाम है लेकिन इसका रंग उजड़ चुका है ये। तो ये फाइनली कुछ खास नहीं लग रहा मेरे को देखने में, रंग महल इसका रंग वंग सब उतर चुका है, तो रंग में भंग हो चुका है। और ये सामने है जो फाउंटेन था, ये अभी वो बंद हो चुका है फाउंटेन, तो मैं उसको अभी थोड़ा नज़दीक से कवर करूँगा फिर दिखाऊँगा मैं आपको। तो फिलहाल यहाँ का कवर करते हैं आज, ये देखो गाइस ये अंदर तय खाना है, अंदर जाने का था, ये सब बंद कर चुका है अभी, तो ये कोई खास नहीं लग रहा मेरे को। और सामने सियासेबल है, तो ये इसका देखो गाइस ये नाम का रंग महल है, इसका रंग भंग हो चुका है, वो बिल्कुल वाइट था पहले, अब कुछ खास नहीं हुआ अभी इसके अंदर। हर जगह रोक लगा रखी है जाने आने के लिए, पता नहीं किस बात के पैसे ले रहे हैं, एक काम से बंद कर देते हैं, कोई आता ही नहीं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, हर जगह यहाँ पे बंद कर रखा है, रोक लगा रखी है जाने के लिए, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, पता नहीं क्या तारीस लग रही है इसको। तो रंग महल है ये बिल्कुल डब्बा हो चुका है, तो अभी ये पूरा का पूरा रंग महल एरिया कवर करेंगे अभी। और यहाँ पे ये जो ऊपर है यहाँ पे सब बंद कर रखा है जाने के लिए, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, ये जाने के लिए मना कर देते हैं गाइस। तो देख सकते हो आप ये फाइनली, ये जो अभी ये बिल्कुल पीला पड़ चुका है, तो मैं अभी पूरा पीला पड़ चुका है। तो यहाँ पे कुछ विदेशी आइटम्स है, देख सकते हो ये गाइस, ये कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा मेरे को देखने में, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये किसी का मकबरा लग रहा है मेरे को। तो अभी मैं कवर करता हूँ इसका, देख सकते हो गाइस, वो जो गाइस ये किसी का मकबरा है, तो वो अभी दिखाते हैं आपको इसका किस चीज़ का ये मस्जिद। तो ये पता नहीं क्या है इसके अंदर, हर जगह रोक टोक, इतनी लंबी रोक टोक लगा रखा है, और गाइस भीड़ तो काफ़ी है, मज़ा भी आने वाला है, देखते हैं इसके अंदर एंट्री है कि नहीं। यहाँ भी लॉक हो चुका है और हम लोगों के अलाउड नहीं है जाना यहाँ पे। तो फाइनली जो चीज़ें हैं वो तो भाई है, अभी आज पूरा कवर करेंगे इसको। ये रहा जीना है, ये तो अभी यहाँ चढ़ आ चुके हैं, अलाउड तो नहीं है, अभी दिखाते हैं आपको। ये रहा कुआँ, तो इसके अंदर किसी की मौत हुई थी, अभी पानी वानी पड़ा हुआ है, देख सकते हो गाइस ये फाइनली। और ये देखो गाइस कवर है, तो अभी हम नीचे की ओर जंप लगाते हैं भाई, देख सकते हो ये सामने फाउंटेन है, ये सारे छोटे छोटे फाउंटेन है, तो ये भी बंद हो चुका है, तो अभी दिखाते हैं। ये काफ़ी खूबसूरती का चार चांद था, यहाँ पे फवारे लगते थे, ये बंद कर चुका है पता नहीं क्यों। और ये ही है वो सामने जफर महल, तो देख सकते हो आप ये, तो ये चारों ओर से इसके अंदर पानी भरा करता था, वहाँ से उसका जीना था, वो टूट चुका है अभी काफ़ी, इसकी हालत खंडर हो चुका है, अंदर जाना अलाउड नहीं है हम लोगों को, लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं। अंदर वो छाऊ जो है ना बिल्डिंग दिख रही है, वो सामने खंभा, उसके फवारे निकलते थे, तो काफ़ी इसकी खूबसूरती थी। और वो देखो गाइस वहाँ से जीना है वो, तो देख सकते हो ये ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं है। अभी कवर करते हैं आपको जफर महल का, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये अंग्रेजों के जाने की बिल्डिंग है, जब अंग्रेज आए थे तो ये अपना उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाया था उन्होंने, तो ये म्यूजियम टाइप का है कुछ, तो इसके अंदर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, तो और कुछ नहीं है। तो ये अंग्रेज़ का टाइम का है, और ये मुग़लों का टाइम का है, तो मुग़ल काफ़ी अच्छे से इसका मेंटेनेंस किया करते थे। और ये जफर महल का हालत भाई जफर हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये, तो कुछ खास नहीं है जफर महल के बारे में। तो भाई शेर में वहीं पर मिला था, ये जफर महल के पास में भाई शूटिंग करा था, तो भाई के पास काफ़ी नॉलेज है, तो मेरे को काफ़ी सीखने को मिला भाई से ये,
तो ये भाई काफ़ी मेहनत कर रहा था, तो मेरे को कुछ सीखने को मिला भाई से। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई कुछ जो एंगल है ये शूट कर रहा था भाई, तो भाई अब बताओ अपने चैनल का नाम बताओ। भाई मेरे चैनल का नाम है लक्की टीम फाइव। मैं पब्लिक रिएक्शन मतलब पब्लिक में बनाता हूँ, पब्लिक के फनी रिएक्शन लेता हूँ भाई, और मेरे चैनल का नाम है लक्की टीम फाइव। आप सर्च करें और एक बार जरूर देखें भाई, अगर आपको पसंद आया तो भाई सपोर्ट करना, वरना कोई नहीं भाई। भाई सपोर्ट करना भाई, थोड़ा पैर से विकलांग कर सकते हो भाई, भाई थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है भाई की, लेकिन भाई भी उसके बाद ही भाई अपना कैरियर चुना इस ब्लॉगिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो दिल से, जो वैसे देखते हो उससे अच्छा भाई का सपोर्ट करना है। और भाई काफ़ी मेहनत करा, भाई के पास काफ़ी मेरे से अच्छा नॉलेज है भाई, तो मैंने देखा भाई को शूट करते हुए, और काफ़ी इक्विपमेंट मेरे से तो ख़राब ही है लेकिन भाई के पास नॉलेज बहुत अच्छा है। तो भाई इस टाइम पे नॉलेज की इज्जत होती है, तो भाई के पास नॉलेज है तो भाई को रिस्पेक्ट करेंगे और सब भाई को सपोर्ट करेंगे। तो मैं भी सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो भाई, मेरे को मत करना, इस भाई को जरूर करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है गाइस। आते जाइए, फूल है तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये बीच में फाउंटेन था, इसके अंदर पानी थी भाई, पहले तो इसके अंदर पानी हुआ करता था, अब ये सूख चुका है। देखो गाइस, ये देखो गाइस कितनी अच्छी है ये गार्डन, देखो गाइस। तो ये मुगल आर्किटेक्ट है, और ये फाउंटेन ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पता नहीं क्यों, कोई इसके पास वो खास रीज़न नहीं है। और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, देख सकते हो आप ये। और ये भी एक मोती महल का हिस्सा है ये, तो देख सकते हो आइए गाइस, ये जो इसके महल का था कोई खास नहीं लगा इसके, अभी देखते हो गाइस ये दिखाएंगे आप। तो यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी तेज़ है धूप, काफ़ी तेज़ है इसलिए क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये टी हाउस है, यहाँ पे लोग कॉफ़ी वगैरह पिया करते थे इसके, देख सकते हो गाइस ये। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो काफ़ी यूनिक है, और डाउट नहीं है जाना, वो लास्ट दीवार है, वो इसका किले का लास्ट दीवार है। तो ये देखो गाइस, ये भी एक रंग महल का हिस्सा है, तो ये काफ़ी वो अभी ब्लैक हो चुका है, ये भी वाइट संगमरमर है, तो देख सकते हो आप ये फाइनली। तो गाइस देख सकते हो, ये जो नहर है बख्शीश है, यहाँ पे जो पानी ठंडा करने के लिए रखा जाता था, तो यही वो चीज़। तो ये एक मतलब एक फ्रिज एक तरीके से, तो वहाँ पे सामने मैं दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस वो यार सामने वहाँ से सामने पानी निकला करता था, देख सकते हो जो दिखा रही है वहाँ से, और इसके अंदर पानी रखा करता था इकट्ठा, ताकि ठंडा पानी रह सके। तो ये है वो चीज़ें, तो देख सकते हो गाइस ये काफ़ी चीज़ें अच्छी है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से मान लो उस टाइम का ये फ्रिज हुआ करता था, ये काफ़ी मतलब ऐतिहासिक फ्रिज है भाई, देख सकते हो आप ये, और ये इसकी चीज़ें हैं। और ये देखो गाइस, तो ये सामने वहाँ से फाउंटेन था, वहाँ से निकला करता था, ताकि वहाँ तक का था ये कबर, देखो गाइस वहाँ तक का था ये, और बीच में नहर था बना हुआ है जिसका पानी का बहाव चलता था, ये ठंडा पानी के लिए था। तो उस टाइम का ये फ्रिज था, चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है भाई, मतलब क्या दिमाग था उस टाइम का, आइडिया काफ़ी बेहतर था इसलिए बनाया गया था भाई। कैंटीन है और लाइब्रेरी टाइप का है कुछ भी, और इसके अंदर ब्रेकफास्ट का चीज़ें हैं, देख सकते हो गाइस पूरी की पूरी। और ये भी है, तो ये सब बिल्डिंग है जो अंग्रेजों ने बनवाया था, और यहाँ पे बड़ा कुछ रखा हुआ है, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो दिख रहा है, शीशे से कवर है यहाँ पे। तो अभी इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके। देखो गाइस ये सारे लकड़ का बनाया गया, चीज़ें अच्छी है ये, जो भी सारे ये लकड़ का बनाया गया है, ये हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो फाइनली अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या कवर करने का है, और जो चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो आप ये फाइनली। लेकिन तो ये जो ये है ये गत्ते से है, ये सारे जो भी ये थीम दिख रहे हो आप, ये सारे गत्ते से है ये। तो ये देख सकते हो, तो इसका नाम है पूजा खरांकर, तो इन्होंने ये बनाया है, तो ये पूजा जी हैं, तो आप देख सकते हो ये, और ये सारे गत्ते का ये चीज़ें गाइस देख सकते हो। इसके जो छोटे छोटे बर्तन बनाया जाता था, बेंत है ये चीज़ें, जो अभी दिल्ली पुलिस इसको लट के लिए इस्तेमाल करती है, तो जो भी सर बेंत का ही है। अच्छा, ये सारे बेत का है, ये देख सकते हो काफ़ी छूने में मतलब प्रीमियम क्वालिटी लग रही है, और ये शाइनिंग है। और ये देखो गाइस ये चीज़ें अभी ये नया ऐड हुआ है, ये पहले कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें जो है ये एक मेज़ है बैठने के, स्टूल भी कह सकते हो इसको, ये देखो गाइस ये सारे बैठने के ये गद्दे हैं। तो ये काफ़ी लग्जरियस आइटम है ये, जो अभी आसानी से नहीं मिलता है, तो इन्होंने ये बनाया है। जो ये चीज़ें सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के साइड मिलता है ये चीज़ें, अभी अभी इधर तो नहीं है इंडिया में, सॉरी इंडिया में नहीं दिल्ली में तो नहीं मिल सकती चीज़। है ये वुडन आर्ट है ये, तो ये पेड़ है, इसके काट के बनाया गया है, इसे पॉलिश किया गया है, देख सकते हो गाइस ये। तो इसको हम बोलते हैं वुडन आर्ट। ये जो कुर्सी वगैरह है ये बिल्कुल ये पेड़ का सीधा काट के, और ये देखो गाइस इसका पेड़ का जो छाल है ना वो अभी तक वैसी है, तो ये वुडन आर्ट बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर काफ़ी मतलब मेहनत लगती है लोगों को बनाने के लिए, तो अभी ऐसा कला तो अभी है नहीं, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये गाइस म्यूजिक सिस्टम है, तो इसके अंदर बैठ के कुछ कहानी बताते हैं, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या है, अभी भी सुन रहा है ये शायद, तो ये बंद है पता नहीं क्या है, करना पड़ेगा कोर्ट। और भाई बोट का ब्रांड, जैसे ये बोट का ब्रांड है, तो भाई बोट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो भाई कुछ क्या होता है इसके अंदर, कुछ बता सकते हो आप? कुछ नहीं बज रहा है, फोटो के लिए। तो भाई चूतिया काट रहे लाल किले में आने के बाद, भाई पैसे फ्री के आ रहे हैं हमारे यार कुछ नहीं, और भाई है ना भाई
भाई चूतिया सच में काट रहे हैं, ये बस फोटो फोटो के लिए है कुछ, ये डिस्प्ले वैसे ही लगा रखा है, ये बस बोट का भाई देखो गाइस, ये बस बोट का ऐड कर रहे हैं और कुछ काम नहीं इनका, कुछ नहीं। काफ़ी अच्छी है, अंग्रेजों के टाइम का ये बिल्डिंग है, ये अंग्रेजों ने बनाया था, ये मुगल के टाइम का नहीं, ये बिल्डिंग जो अंग्रेजों के टाइम का है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। अब इस टाइप की चीज़ें हैं, ये जो पर्स वगैरह है ये अंदर देख सकते हो गाइस, ये तो ये पहले के टाइम पर गाँव में इसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान या कुछ भी आइटम है, ये देखो गाइस ये अनाज है, तो ये धान है, ये देख सकते हो गाइस, तो ये अपने ये गांव में सब रोटी वगैरह रखा करते थे उस टाइम पे ताकि खाना ख़राब ना हो। और ये देखो गाइस ये बास्केट है एक तरीके का, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो अभी ये सब एक दिखाने के लिए रखा गया है, और वैसे ये गांव से कोई नहीं पूछता, वैसे टंगा रहता हमारे खेतों में भाई। हाँ भाई, तो भाई इसको कोई नहीं पूछता भाई, यहाँ भाई ये बस गाय भैंस खाने के लिए आई है, और ये भाई चूतिया काट रहे हमारे, बताओ क्या नाम है चावल का, मोटा चावल है भाई, वो बस गाय भैंस खाए इसलिए अस्थाई है ये। काफ़ी अच्छी चीज़ें है, ये जो म्यूजियम में देख सकते हो आप गाइस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से है, तो यहाँ पे उनके कुछ जैसे उनका तलवार है ये, और म्यान है देख सकते हो गाइस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के हैं ये, और इनके आज़ाद हिंद फौज का एक पहचान पत्र है जो उन्होंने बनाया था आज़ाद हिंद फौज का, तो उनके ये पहचान पत्र है, अभी दिखाते हैं गाइस, तो जो ये जो है असेंबल दिख रहा है, ये मेडल है ये एक तरीके का, तो ये बता सकते हैं ये 10 का नोट है एक तरीके से, 10 का और 100 का नोट है गाइस, देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो ये अच्छे काम है इन्होंने दोनों, और ये INA का देख सकते हो, INA ये फित्ती है जो सेना के कंधे पर लगता है, ये तो ये कॉन्स्टेबल जैसे स्टार है वो सेना का, तो ये देखो गाइस ये लगाया है गया आज़ाद हिंद फौज का, और ये एक चेयर है नेताजी की कुर्सी है, वो उस टाइम ऐसे कुर्सी पर वो बैठा करते थे, तो भाई काफ़ी चीज़ें माननी पड़ेगी, जैसे होगा टैंक उस टाइम का टैंक ये, तो ये सामने सबसे आगे देखो यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो आगे आज़ाद हिंद फौज का हमारा पहला झंडा था ये, तो ये सबसे फर्स्ट झंडा ऐसा ही था हमारा चंद्र बोस जी का, देखो गाइस ये फैमिली फोटो ये लिखा भी है, ये बोस फैमिली डायरी देख सकते हो, ये कैप है उस टाइम का जो सैनिक यूज करते थे ये, और ये 1 रुपये का 10 रुपये का 5 रुपये का और 100 रुपये का जो नोट रखा हुआ है, तो गाइस ये भाई कुछ बुके हैं, तो उस टाइम पर ये लिखा गया था, ये उनकी नोट है, नोट डायरी है जो दस्तावेज है आज़ाद हिंद फौज का, और वो देखो गाइस चाकू है आपके हाथों में देख सकते हो गाइस, उस टाइम का ये चेकबुक है, ये उस टाइम चेकबुक हुआ करता था, और ये गाइस चाकू और ये इसका म्यान है, और ये गाइस ये फित्ती है सेना का देख सकते हो, ये झंडा है, वो नारा करो या मरो नेताजी का नारा था ये, और ये भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था, तो इस टाइम ये जो देख सकते हो ये दंगे हुए थे, ये देख सकते हो ये सारे अंग्रेजों ने इनको बिल्कुल मर्डर कर दिया गया था, तो उस टाइम इन्होंने नारा बनाया था करो या मरो, तो मतलब करो या मर जाओ, मतलब ऐसे था ये नारा, और वो देखो यूज है जापानीज का और इंग्लैंड के बीच, तो देख सकते हो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये, तो इसके अंदर ये हमारा ये मैप था वो अंडमान निकोबार वाला जो हम हार गए थे अंग्रेजों ने हमसे खो दिया था, तो ये चीज़ें दिखाया गया इस थीम पे, उस टाइम का ये थीम है जो बंगाल में अकाल पड़ गया था अचानक से, खाने की कमी हो गई थी लोगों को, कैसे कुपोषण और कैसे बिल्कुल खाने को, तो ये एक मूवी बन रही है नेताजी जी का चल रही है, मूवी चल रही है, तो सामने लगा हुआ प्रोजेक्टर, वो जो है सामने लगा हुआ प्रोजेक्टर उसके ऊपर ये चल रहा है देख सकते हो आप, ये तो वो कुछ बताया जा रहा है इनके बारे में नेताजी के बारे में, तो नेताजी उस टाइम पनडुब्बी में बैठ के रसिया गए थे ताकि किसी को पता ना लगे, तो ये पूरा जो बेस है जलिया वाला बाग के कांड पर दिखाते हैं अभी, यही है वो ब्लैक कानून, ब्लैक एक्ट, काला कानून जिसके विरोध कर रहे थे अपने जो भी अपने इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे वो सारे, इसके अंदर वो था कि बिना वारंट की गिरफ्तारी, ये देखो गाइस
यही है, और बिना वारंट की गिरफ्तारी, इसके अंदर नो अपील, कोई अपील नहीं कर सकते आप। और इसके लिए मुकदमे हुए थे जलियांवाला बाग में, तो इसी के कारण वहाँ पे गोलियाँ चली थी, जो जनरल डायर था उन्होंने चलाया था गोलियाँ। तो ये तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, जो अभी अपना वो था जलियांवाला बाग के बीच बेस थे में बनाया गया था, जो काफ़ी अच्छा है। तो अभी और एक और म्यूजियम है वहाँ पे, बढ़ते आगे की ओर देख सकते हो। अभी यहाँ पे फ्री एक पास मिला था, तो क्योंकि अभी तक इस टाइम तक कुछ फ्री है, उसके बाद जो यहाँ पे अगर एंट्री करोगे इस म्यूजियम में तो आपको पैसे लग सकते हैं। तो ये जो म्यूजियम देखते हैं, और ये फ्री पास है लेकिन फिर भी ले रहे हैं। तो सामने काउंटर था, ये देखो इसके सामने काउंटर है। ये था उस टाइम का डाक सेवा, जो एरोप्लेन था ये, मतलब वायु डाक सेवा। अब ये कैसे काम करता था ये देख सकते हो। 1911 में बनाया गया था, पहले जो 13 मिनट के लिए उड़ाया था वो भी 15 किलोमीटर। तो ये देख सकते हो गाइस, ये काफ़ी यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिली, ये देखो गाइस। और इसके अंदर पता नहीं क्या, कोई सेफ्टी नहीं है अंदर, ये देखो गाइस, वो रखा पायलट बैठा हुआ है, ये चीज़ है। तो ये एक प्लेन है उस टाइप का, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। ये पोस्ट ऑफिस है जो यहाँ पे आप गिरा सकते हो, अब जो बंद हो चुका है, अब ये म्यूजियम में देखने को मिलेगा। तो ये देखो गाइस, गांधी जी का है, तो गांधी जी यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहे थे, एक वो डमी है उनका, और ये चीज़ें हैं चरखा वगैरह है जो इनकी सामग्री रखा गया, देख सकते हो आप। मैं जिस जो भी है जिनके नाम पर डाक सेवा ऐसा बनाया गया है, तो वो सबका दिखाया गया है। ये देखो गाइस, तो ये जो 1947 में जो भी डाक टिकटों के माध्यम से याद करने का एक जरिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के, अम्बेडकर जी के हैं ये अपने। ये देखो गाइस, ये लौह पुरुष, तो अभी इसका नाम, मेरे को नाम है लौह पुरुष नाम है वल्लभ भाई पटेल, जैसे गाइस। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये सुभाष चंद्र बोस जी से कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। ये देखो गाइस लिखा गया है, ये देखो गाइस, ये थीम बनाया गया है, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को देखने में। और देखो गाइस, तो जो भी है इंडिया के अब तक डाक टिकट है वो सब इसके अंदर दर्शाया गया है। तो ये भी नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो। और ये सारे डाक टिकट के बारे में बताया गया है ये। तो ये है, ये 500 से दिखाते हैं। और ये देखो गाइस, अपना ये परमाणु का है, रॉकेट साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट का दर्शाया गया है, उसके भी नाम ये देख सकते हो। जो भी हमारे जो इंडिया का जो खेल है 1975, और जो भी है ये शहीद राय हैं जो देख सकते हो। ये तो ये खेल के हॉकी है, तो इनके डाक टिकट बनाया था कि हम इसको याद कर सकें, भूले नहीं। ये मंगल ग्रह का स्पेस का, ये देखो कपिल देव वर्ल्ड कप ले रखे हम टाइम का, तो बोलते हैं फ्लोटिंग डाक टिकट। तो इसके अंदर इस तरीके से उस टाइम पर डाक टिकट भेजा जाया करता था यहाँ से वहाँ, तो इसको फ्लोटिंग डाक टिकट बोलते हैं। देख सकते हो ये पानी का दहाज है उस टाइम का, तो देख सकते हो आप ये। और ये एक अंदर का जो डाकिया था उस टाइम, एक चिट्ठी लेके जाया करता था घर पे, तो जो उस टाइम की महिलाएं थी घर का बुजुर्ग थे वो कितना खुश हुआ करते थे, वो एक थीम दिखाया गया है। देखो भाई ये पार्सल है उसके हाथ में, देखो भाई। तो ये उस टाइम का था ये गाँव का। ये किस चीज़ का है सर? ये स्टैम्प बनाया जाता जैसे ये। अच्छा ये तो कितने का है ये सर? ऐसा बना के दोगे आप? अच्छा, तो ये सर फॉर्मल की फॉर्मेलिटी नॉर्मल है? इतनी स्टैम्प बनेगी सर? ये नॉर्मल है ऐसे, मतलब अपने मन से, इसे कोई यूज तो नहीं होगा ना पर्सनली यूज? अच्छा, रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन 60 रुपए की स्टैम्प है, वो 300 रुपए में मिलती है, तो ये 60 रुपए का स्टैम्प है जो 300 रुपए का है। तो आप अपना फोटो लगवा सकते हो ऐसे लाल किले के पास, और अपने नाम का स्टैम्प बनवा सकते हो, तो काफी यूनिक चीज है, देख सकते हो आप। सर ये राम मंदिर के ऊपर बनाया गया सर, ये जो मंदिर, ये किसके ऊपर बनाया गया? ये काउंटर राम मंदिर के ऊपर। तो सर ये जो स्टैम्प है ना, राम मंदिर वाला स्टैम्प है। अच्छा अच्छा, तो 100 रुपए का दे रहे हो आप? हाँ। अच्छा, तो अगर आप ले सकते हो, ये अभी जो नया राम उद्घाटन हुआ है उसके ऊपर, ये उसके स्टैम्प पेपर है, ये तरीके से देख सकते हो आप ये। तो ये यहाँ के नया काउंटर बनाया गया, तो देख सकते हो वहाँ पे जो भी जितने भी अब तक इंडियन पोस्ट है ना, ये सबका टिकट दिखाएगा यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये हिमालय का हो गया, ये जो भी और अदर स्टेट का है उसका देख सकते हो आप। सुभाष चंद्र बोस जी का हो गया, ये नेवी का हो गया अपना, तो आप देख सकते हो। इंडियन आर्मी का हो गया, गोरखा रेजिमेंट। ये है पूरा जो अब तक का जो डाक टिकट बनाया गया है, देख सकते हो ये पूरा बनाया गया। तो काफ़ी नॉलेज की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, पूरा बगैर डेट दिखा, डेट भी दिया गया इसके अंदर। तो अभी वो कम हो चुका है, ये जो पोस्ट ऑफिस का था, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और बाहर की ओर आते हैं। बाकी ये अच्छा, काफ़ी अच्छा चीज़ है, ये नया ऐड किया गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो गाइस, कश्मीरी द्वार के पास ये मिले थे, जो कश्मीरी गेट है ना अपने दिल्ली में, वहाँ पे ये मिले थे तोप के गोले हैं। ये सात पत्थर लगा ऐसा लग रहा है, लेकिन है ये तोप का गोला, लिखा भी है कश्मीरी गेट के पास कश्मीरी द्वार। हाँ, तो यही है दिल्ली का।
अटैक हुआ था उस टाइम का जो हमला हुआ था वो है, ये पेंटिंग बनाया गया था, कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, बादशाह से कैदी तक का सफर, तो ये जो बादशाह थे तो कैदी यहीं उनको कैद किया गया था, ये तो देख सकते हो आप, जो दिल्ली का बादशाह था वो जनवरी से लिखा भी है यहाँ पे गोपाल गढ़, और बाकी चीज़ है वो देख सकते हो आप। कितने सारे हैं ये, ऐसा है ये कुल्हाड़ी भी वहाँ पे देखा तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो, ऐसा ये चिकन का तो गाइस देख सकते हो आप, शाम का टाइम है और भीड़ बढ़ गया यहाँ पे, तो ये भीड़ देख सकते हो आप, ये फाइनली भीड़ तो काफ़ी है भाई। अब मैं थोड़ा इसका अपना ड्रोन निकालता हूँ और ये जो भीड़ है इसको कवर करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर है, ये अपना ड्रोन है, इसको वो चढ़ने का तरीका है कुछ, ये है कुछ रेड फोर्ट सेंटर, मतलब पहले बंद था अब खुला हुआ है, मतलब कुछ है गैस के अंदर। तो गाइस हर चीज़ के लिए अलग से टिकट ले रखो बहन चो, तो फिर है क्यों गाइस, यही है वो दिल्ली दरवाज़ा। तो अभी ये कवर तो हो चुका है अपना, तो उधर का कवर करते हैं भाई। वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे? हाँ भाई। क्या चैनल है भाई? भाई आशीष यादव ब्लॉग्स है भाई। आशीष यादव ब्लॉग्स, आशीष यादव ब्लॉग्स, ठीक है। ये नया म्यूजियम बनाया गया है जो पहले बंद था अब खुला है, इसका 100 रुपये अलग से टिकट ले रहे हैं भाई। तो भाई इस चीज़ में ना हर चीज़ के लिए अलग से टिकट ले जा रहा है यार, ये तो मेरे को काफ़ी ये बुरा लग रहा है। बस ये लिफ्ट बना रखा है, ये देखो नया लिफ्ट बनाया गया है, तो ये यहाँ पे ये दिक्कत है कि हर चीज़ के लिए अलग से पैसे ले रहे हैं, मतलब लूट मचा रखी उन्होंने, मतलब क्या बताऊँ यार, काफ़ी गुस्सा आ रहा है मेरे को। वो देखो गाइस सामने वो है, वही है वो लाल किला मेन था, वो बाउंड्री, और ये अभी मतलब खंडर हो चुका है, तो अब इसको कवर करते हैं मेन। लेकिन ये हर जगह टिकट 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 हर जगह टिकट मांग रखा है इन्होंने, मतलब मजाक ना रखा है ये, तो देखो। और वो रहा भाई वो सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं वहाँ पर जो जीने रख रखा गाइस, तो अभी हम दिखाते हैं कुछ कवर करके। ये डॉग का भाई का कोई टिकट नहीं है, अंदर दिल्ली पुलिस के अफसर वगैरह हैं, तो चीज़ें तो भाई काफ़ी अच्छी है। और हम देखते हैं इसके अंदर, और एक बार इस चीज़ का रिकॉर्डिंग देखो आप, मतलब काफ़ी भव्य दीवार है, और ये शौचालय टाइप का बना रखा है नीचे, और नीचे कुछ हुआ करता होगा ये, तो मैं एक बार दिखाता हूँ कवर करके। तो सारे जो बंदे यहाँ पे बहुत कम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका बंजर हो चुका है, और यहाँ पे अलाउड है कि नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन लाइटिंग है यहाँ पे। तो ये रहा वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स वाले कुछ लग रहे हैं मेरे को, लेकिन नहीं, तो मैं सब कोई ऊँचा करता हूँ मैं इसके ऊपर, और आगे लगी दीवार है, तो अभी मैं घूम घूम के बताऊंगा आपको। तो चीज़ें काफ़ी भाई इंपॉर्टेंट है, और ये सारे चीज़ें देख रहे हैं इसी दीवाले हैं, तो ये जो दीवाले दिख रहा है आपको यही है वो मेन चीज़ें, और जो बाहर से हमें आकर्षित करती है इन चीज़ों के, ये अंदर से खंडर हो चुका है, बिल्कुल खंडर हो चुका है ये, तो आपको भी दिखाएंगे, ये बिल्कुल खंडर हो चुका है ये अंदर का। तो यहाँ पर कूड़े कबाड़े रखे हुए हैं वैसे ही, कुछ नहीं है खास चीज़ें नहीं है। तो गाइस ये ब्लॉग ये लास्ट है यहाँ का, अब बाहर निकल चुके हैं हम लोग, तो ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। और गाइस ये लाल किला का ब्लॉग था, तो काफ़ी मेहनत लगा इसके अंदर, और ये चीज़ ऐसी हर जगह मतलब बंद कर रखा है, या तो टिकट लगा रखा अलग से, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस जगह का चाहिए, तो वहीं का ब्लॉग होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।